स्वागत है दोस्तों आपका स्टॉक बिजनेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अल्ट्राटेक सीमेंट के स्टॉक का एनालिसिस करेंगे और आने वाले समय में इसके क्या लेवल रह सकते हैं उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको आज के इस वीडियो में देखने को मिलेगी। दोस्तों हम यहाँ पे आ चुके हैं एनजेवन के एप्लीकेशन पे। यहाँ टूल ऑप्शन पे आने के बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे ट्रेड बडी पे। दोस्तों अगर आपने हमें ट्रेड बडी पे फॉलो नहीं किया है तो आप यहाँ पे #IN आप यहाँ पे सर्च कीजिए। #IN आप जैसे सर्च करते हैं तो आप हमको यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं और हमारे जो भी पोस्ट होती है लेटेस्ट पोस्ट ये आपको यहाँ पे मिलेंगी। आप सिंपली आपको यहाँ पे फॉलो की बटन को प्रेस करना है और यहाँ से हमारी लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय पे मिलते रहेंगी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो एंजल वन पे हमने वीडियो पोस्ट किए थे 12 जनवरी के दिन, उसकी बात बता देते हैं कि हमने यहाँ पर अल्ट्राटेक सीमेंट के स्टॉक के बारे में बताया था कि अल्ट्राटेक सीमेंट का स्टॉक का रिजल्ट आने वाला है 12 जनवरी पे। इस स्टॉक को आप रडार पर रखिए। 12 जनवरी पे हमने बताया था कि इस कंपनी के सपोर्ट एंड इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में एनालिसिस किया था कि आने वाले समय में इसमें क्या लेवल रह सकता है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल रह सकते हैं, किन लेवल को हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो उसी के आधार पर आज अल्ट्राटेक के सीमेंट के स्टॉक ने आज मोमेंटम दिया और इसका रिजल्ट खराब आने के कारण स्टॉक में आज भारी गिरावट देखने को मिली। आने वाले समय में अल्ट्राटेक सीमेंट के क्या लेवल रह सकते हैं, अपसाइड में डाउनसाइड में कौन से लेवल के ऊपर हमको ध्यान रखना चाहिए, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को स्किप ना कीजिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आप आज के इस वीडियो में मिलेंगी। तो सिंपली हम जाते हैं यहाँ पे इंस्टा ट्रेड के ट्रेड नाउ बटन पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ क्लिक करने के बाद सर्च ऑप्शन में अल्ट्राटेक सीमेंट हम यहाँ पे टाइप करेंगे तो हमारे सामने अल्ट्राटेक सीमेंट आ जाता है। यहाँ पे सिंपली हम फ्यूचर का एनालिसिस करने वाले हैं तो हम यहाँ पे फ्यूचर को ऐड कर लेंगे। तो 25 जनवरी एक्सपायरी का ये फ्यूचर है तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि अल्ट्राटेक के सीमेंट के फ्यूचर ने यहाँ अच्छी शानदार यहाँ पे गिरावट दर्ज की है। जो स्टॉक का नतीजे हैं थे ये मार्केट को पसंद नहीं आए और यहाँ से स्टॉक ने एक अच्छी खासी गिरावट दी है। यहाँ देखने को मिलेगा कि स्टॉक जो था ये 7400 पर ट्रेड कर रहा था, आज स्टॉक जो है 6850 के नीचे तक ये स्लिप हो गया है। तो जो इसके खासे लेवल इंपॉर्टेंट लेवल थे सारे इंपॉर्टेंट लेवल को इसने ध्वस्त कर दिया है और स्टॉक अब नीचे की ओर ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में हम यहाँ पर एक इंडिकेटर जो है MACD इंडिकेटर को यहाँ पर लगा देते हैं। तो MACD इंडिकेटर यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई करता है उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो हमने MACD इंडिकेटर लगाया है, इसकी सेटिंग आपको कोई चेंज नहीं करना है, बाय डिफ़ॉल्ट एज इट इज रखना है। तो आपको देखने को मिलेगा कि जो MACD इंडिकेटर यहाँ पे लगा हुआ है इसमें भी यहाँ पे MACD लाइन ने सिग्नल लाइन को क्रॉस ओवर दिया है और डाउन साइड में इसका ग्राफ बना हुआ है, जैसे कि चार्ट भी हमें डाउन साइड में इंडिकेट करते हुए नजर आ रहा है। इसका जो बार है ये बार भी नीचे बना हुआ है। कहने का सेंस ये है कि अल्ट्राटेक सीमेंट के स्टॉक में अभी वीकनेस है, यहाँ से इसमें और ज़्यादा करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं कि आने वाले समय में इसमें और कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रह सकता है तो जिसके ऊपर हमें नज़र रखनी चाहिए। तो नज़र रखने के लिहाज से हमें जो लेवल देखने को मिलता है ये 6000, इससे हम टूल ऑप्शन पे जाके यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल का चार्ट लगा लेते हैं और इसका एक डेटा को यहाँ आइडेंटिफाई करेंगे ताकि हमारे सामने स्पष्ट लाइन लग जाए। तो यहाँ से हम एक स्पष्ट लाइन को यहाँ पर मैच कर देते हैं तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि अल्ट्राटेक सीमेंट के स्टॉक में एक गिरावट का माहौल बना हुआ है और जब ये सपोर्ट लेने का काम करेगा तो इस पोजीशन पे इस स्टॉक ने काफ़ी बार सपोर्ट लेने की कोशिश की थी। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये एक पॉइंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने में मिलता है। अल्ट्राटेक का सीमेंट जो है अगर कल मार्केट ओपन होता है और आजकल वो ये निकालता है तो अल्ट्राटेक सीमेंट के स्टॉक में हमें 6760 के लेवल हमें ये स्टॉक दिखा सकता है। तो इस पॉइंट के ऊपर भी एक नज़र रखी जा सकती है और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हमें अल्ट्राटेक के सीमेंट के स्टॉक में और ज़्यादा करेक्शन देखने को मिलेगा, और ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेंगी और अल्ट्राटेक का सीमेंट का स्टॉक जो है ये 6600 टू 6500 के लेवल भी हमें दिखा सकता है। लेकिन बात आती है कि इसमें अपसाइड का मूवमेंट किस पॉइंट पर बनता हुआ नज़र आएगा। तो अपसाइड के मूवमेंट के लिए हम वापस एक हॉरिजॉन्टल लाइन को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और यहाँ से जो अपसाइड का लेवल है इसको लगा लेते हैं तो आपको जानकारी मिल जाएंगी और डेटा आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा कि जो 6900 का जो इम्पोर्टेंट लेवल है ये लेवल इसमें एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। अगर
यह लेवल अल्ट्राटेक का सीमेंट का स्टॉक होल्ड कर लेता है 6900 का, तो हमें अल्ट्राटेक सीमेंट के स्टॉक में जो अपसाइड का मोमेंटम है ये 7000 तक के और 7000 के ऊपर हमें 7100 टू 7200 के लेवल हमें अल्ट्राटेक सीमेंट के स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो ये लेवल के ऊपर हम नज़र रख सकते हैं। दोस्तों जैसे कि अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजे ख़राब आए हैं और जिन लोगों ने वीडियो को देखा होगा और रिजल्ट का एनालिसिस किया होगा तो उसके आधार पर इन्होंने ऑप्शन चेन के माध्यम से अगर काम किया होगा, तो अगर हम देखें यहाँ पर तो अल्ट्राटेक सीमेंट का स्टॉक जो था ये 7000 के ऊपर ट्रेड कर रहा था और अगर हम इसमें 7000 का पुट अगर हम देखें तो आपको यहाँ देखने को मिलता है कि अगर हम 7000 के पुट के ऊपर पोजीशन लेके आते या पोजीशन बनाते तो यहाँ डाटा काफ़ी स्पष्ट हो जाता। इसको हम कर देते हैं यहाँ से 5 मिनट का चार्ट कर देते हैं। 5 मिनट का चार्ट करने के बाद आपके सामने यहाँ चार्ट काफ़ी क्लीन लग जाता है और यहाँ पे पता चल जाता है कि स्टॉक ने किस प्रकार का मूवमेंट दिया है आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। बड़ा करने के बाद आज देखते हैं कि जो स्टॉक ने आज मोमेंटम दिया है ये इस पॉइंट पे स्टॉक था समथिंग ये 25 रुपये के आसपास में स्टॉक की वैल्यू थी, ऑप्शन की वैल्यू 25 रुपये पे अल्ट्राटेक सीमेंट का 7000 का ऑप्शन 25 रुपीज़ पे था और 25 से चल के इस स्टॉक ने ऑप्शन ने जो हाई लगाया है 173 लगाया है, यानी कि इसने तकरीबन 150 पॉइंट का गेन दिया है। इस प्रकार से अगर इस स्टॉक में पोजीशन बनाने के लिए सिंपली बाय बटन पे क्लिक किया होता और यहाँ पे एक लॉट मेंशन किया होता, एक लॉट में 100 क्वांटिटी आती इसकी और 100 क्वांटिटी के साथ अगर हम इसमें देख लेते इसमें 25 रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट कितना लगता तो यहाँ पे देखने को मिलेगा इसमें ओनली 2500 का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे यूज़ होता। और अगर इसकी करंट वैल्यू देखें तो करंट वैल्यू के हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट अभी बन चुका है ये 173 अगर यहाँ पे देखें तो ये ओनली 2500 का जो अमाउंट था ये 17300 यहाँ पे हो चुका है। तो इस प्रकार से आप हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए और अपने एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करते रहिए ताकि आप को कोई भी अपडेट मिस ना हो और एक हर एक सही जानकारी आपको समय पे मिल सके और आप मार्केट से अच्छा बेहतर रिटर्न बना सके। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो ऐसे ही एजुकेशन जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों एज अ डिस्क्लेमर आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को स्टॉक बाय एंड सेल करने की एडवाइस नहीं होती है। अगर आप कोई भी स्टॉक में पोजीशन बनाते हैं तो स्टॉक में पोजीशन बनाने से पहले आप अपना टेक्निकल एनालिसिस जरूर करें, उसके बाद ही किसी भी स्टॉक में पोजीशन बनाएं। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि शेयर बाजार से जुड़ी हर एक अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बने रहिए स्टॉक बिजनेस के साथ। नमस्कार।